हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस लेक्चर में हम सीखने जा रहे हैं सर्च एंड सीजर के बारे में। जब कोई टीम इन्वेस्टिगेट करने के लिए आती है तो सर्च वारंट उसके लिए ज़रूरी है या नहीं है, और क्या अगर वो सर्च वारंट के बगैर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को सीज करती है, महफूज करती है, तो क्या वो अदालत में, कोर्ट ऑफ लॉ में एक्सेप्टेबल है या नहीं है। आज के इस लेक्चर में हम सर्च एंड सीजर के बारे में सीखेंगे। सर्च एंड सीजर, लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स नीड अ सर्च वारंट टू सर्च एंड सीज डिजिटल डिवाइसेस। लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर जो है, जब किसी क्राइम इंसिडेंट के ऊपर जाते हैं या सस्पेक्टेड पर्सन की इन्वेस्टिगेट करने जाते हैं, तो सर्च वारंट जो है मस्ट है। लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर जो है, इनके लिए सर्च वारंट जो है मस्ट है। सर्च वारंट होगा तब ही ये किसी भी डिजिटल डिवाइस को ये सीज कर सकते हैं, जब्त कर सकते हैं। जब्त करने के बाद उसके ऊपर इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स अगर सर्च वारंट के बगैर ही किसी भी डिवाइस को सीज करता है, तो वो अदालत में, कोर्ट ऑफ लॉ में एक्सेप्टेबल नहीं है। इन दी United States, the Fourth Amendment limits the ability of government agents to search for and seize evidence without a warrant. यूनाइटेड स्टेट में जो गवर्नमेंट ऑफिसर है वो किसी हद तक जो है सर्च वारंट के बगैर ही जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, डिजिटल डिवाइसेस हैं, उनको वो सीज कर सकता है। एनी एविडेंस ऑब्टेन इन वायलेशन ऑफ द फोर्थ अमेंडमेंट्स इज इनएडमिसिबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। अगर फोर्थ अमेंडमेंट जो है इसके खिलाफ अगर किसी को कोई एविडेंस जो है मिल जाता है, तो वो कोर्ट में एक्सेप्टेबल नहीं है।
और ये लॉ जो है ये सिर्फ और सिर्फ यूनाइटेड स्टेट में ही है, क्योंकि हर कंट्री के अपने कानून हैं साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड, और वो उन्हीं ही रूल्स को वो फॉलो करते हैं। सर्च एंड सीजर कंडीशन, द फोर्थ अमेंडमेंट स्टेट्स द राइट ऑफ द पीपल टू बी स्टोर इन देयर पर्संस हाउसेस पेपर एंड इफेक्ट्स against unreasonable search and seizure। इसमें ये बताया गया है कि लोगों की जो पर्सनल प्रॉपर्टीज हैं, मकानात हैं, उनको बिला वजह जो है उनकी सर्च, उनकी तलाशी नहीं की जाएगी, और उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उनको भी सीज नहीं किया जाएगा। शैल नॉट बी वायलेटेड एंड नो वारंट्स शैल इशू, और कोई वारंट जारी इशू नहीं किया जाएगा, कोई वारंट जो है वो इशू नहीं किया जाएगा। बट अपॉन प्रोबेबल इशू सपोर्टेड बाय कोर्ट आर affirmation and particular describing the place to be searched and the persons are things to be seized taken is wajah ke upar cause ke upar jo hai ho sakta hai ke खास जगह के ऊपर जो है विदाउट वारंट जो है किसी भी पर्सन की जो है डिवाइसेस को या किसी भी चीज को जो है वो जो इन्वेस्टिगेट टीम है हो सकता है कि वो जब्त कर सकती है इन्वेस्टिगेट करने के लिए। द फोर्थ अमेंडमेंट वॉज क्रिएटेड टू लिमिट यूएस लॉ इन्फोर्समेंट अबिलिटी to search private premises without a proper search warrant। USA के कानून के मुताबिक जो उनका जो अदारा है law enforcement जो है वो बगैर वारंट के, बगैर सर्च वारंट के वो किसी हद तक किसी भी पर्सन की जो प्राइवेट प्रीमिसेस है, प्राइवेट जो प्रॉपर्टी है
उस प्रॉपर्टी को वो सर्च कर सकते हैं। The search warrant should be very specific in terms of what areas can be searched and what items are persons can be seized from the crime scene. सर्च वारंट जो है वो इस लिहाज से वेरी स्पेसिफिक होना चाहिए कि किस किस एरिए की जो है तलाशी ली जा सकती है और कौन सी चीज या कौन सी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या कौन सा जो पर्सन है उसे सीज किया जा सकता है, उसे पकड़ा जा सकता है। दिस प्रिंसिपल अप्लाइज टू डिजिटल criminals also. Hence, any as any computing device which is capable of storing user data is considered private property that needs a search warrant in order to be searched and seized by law enforcement officials. ये कानून जो है ये डिजिटल क्राइम में भी लागू होता है, लिहाजा एनी कंप्यूटिंग डिवाइसेस, कोई भी ऐसी डिवाइस जो यूज़र का डाटा जो है वो स्टोर करने की एबिलिटी रखती हो तो डिजिटल फॉरेंसिक में उस पर्सन का जो डाटा है वो उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है कंसीडर किया जाता है और किसी प्रॉपर्टी प्राइवेट और किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी को विदाउट वारंट के सर्च या सीज नहीं किया जा सकता और अगर किसी लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर ने किसी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी को या किसी इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल किसी सस्पेक्टेड की डिवाइस को अगर उसने सीज करना है तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे उसके लिए सबसे पहले सर्च वारंट का होना मस्ट है। अगर सर्च वारंट नहीं है और कोई लॉ इन्फोर्समेंट का ऑफिसर जो है वो डिजिटल डिवाइस को सीज कर लेता है तो
वो जो अगर वो एविडेंस भी कलेक्ट कर लेता है तो वो एविडेंस जो है वो कोर्ट में एक्सेप्टेबल नहीं होता। वी विल नॉट डेल्व डीपली इनटू द लीगल एरिया, हाउएवर कीप इन माइंड दैट बिफोर कलेक्टिंग एनी डिजिटल एविडेंस यू नीड अ फॉर्म ऑफ लीगल कंसेंट टू सर्च आर सीज एंड एविडेंस इन क्वेश्चन। जब भी कोई टीम इन्वेस्टिगेट करने के लिए जाती है किसी भी क्राइम इंसिडेंट के ऊपर, तो उनका जो टारगेट होता है वो डिजिटल एविडेंस को कलेक्ट करना, और अगर उनके पास सर्च वारंट नहीं है तो फिर कॉन्स्टेंटली रजामंदी से वो फिर जो है वो एविडेंस को कलेक्ट करते हैं सस्पेक्टेड पर्सन से। और वो टीम जो इन्वेस्टिगेट करने के लिए आती है वो कोशिश करती है उनका मेन जो मकसद होता है क्राइम इंसिडेंट के ऊपर जितने भी डिजिटल एविडेंस होते हैं उनको वो सीज करते हैं लीगली तरीके से, और जो सस्पेक्टेड होता है उसकी भी वो रजामंदी जो है वो उसमें शामिल करते हैं। इन दिस सेशन वी विल लिस्ट चॉइसेस अवेलेबल फॉर डिजिटल फ्रेंसिक एग्जामिनर्स टू सर्च एंड सीज डिजिटल एविडेंस। इस सेक्शन में हम डिजिटल एविडेंस को सर्च करना और सीज करने के लिए एक प्रोफेशनल जो डिजिटल ऑफिसर है उसको चाहिए कि वो पहले से ही उन चीज़ों की जो है वो लिस्ट बना ले। इन दिस टाइप द ऑनर ऑफ द कंप्यूटिंग डिवाइस cooperates with investigators and allow them to search and acquire digital evidence without any official search warrant. In this type इस किस्म में जो कंप्यूटिंग डिवाइस का जो ऑनर है वो कोऑपरेट करता है, वो तामुन करता है इन्वेस्टिगेट ऑफिसर के साथ। और ये इस किस्म में जो सर्च वारंट है उसकी जो है वो ज़रूरत नहीं होती। तो इस
टाइप में जो ऑनर है कंप्यूटिंग डिवाइस का या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का या डिजिटल डिवाइस का जो ऑनर है वो कोऑपरेट करता है, इन्वेस्टिगेट करने जो टीम आती है वो उनके साथ कोऑपरेट करता है और वो उन्हें अलाउ करता है सर्च के लिए और उसकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में से जो डिजिटल एविडेंस है उनको निकालने के लिए वो उनके साथ कोऑपरेट करता है। और इस टाइप में जो ऑफिशियल सर्च वारंट है उसकी ज़रूरत नहीं होती। दिस रियली हैपन्स व्हेन एन ओनर ऑफ द डिवाइस इज नॉट द सस्पेक्ट। ये आमतौर पर इस वक्त होता है जब ऑनर ऑफ द डिवाइस है, जो डिवाइस का मालिक है उसको किसी के ऊपर जो है वो शक ना हो, इज नॉट द सस्पेक्ट, उसको किसी पर शुबा ना हो, शक ना हो। आर या व्हेन एन एम्प्लॉय हैज प्रीवियसली साइंड अ सर्च एंड सीजर फॉर्म एज अ कंडीशन फॉर एम्प्लॉयमेंट। या ये भी हो सकता है कि कोई एम्प्लॉय जो है वो जॉब के लिए आता है तो उसका जो ऑनर है, उसका जो बॉस है, कुछ कंडीशंस कुछ कंडीशन रखता है, कुछ शराइत रखता है और उस एम्प्लॉय का जो सिग्नेचर है वो ले लेता है। इन दिस केस You can acquire digital evidence without asking for any consent from him or her. इस सूरत हाल में आप इससे कोई रजामंदी दिए बगैर डिजिटल एविडेंस जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं। सी फिगर फॉर अ सैंपल कोसेंट टू रिसर्च डिजिटल डिवाइस form created by regional computer forensics laboratory. Regional computer forensics laboratory ने ये form जो है ये create किया है। इसमें कुछ शराइत बताई गई हैं। कोसेंट टू सर्च डिजिटल डिवाइसेस के रिलेटेड इसमें ये इस फॉर्म में ये बताया गया है कि अगर इन्वेस्टिगेट करने जो टीम आती है उसके पास सर्च वारंट नहीं है, उस
सस्पेक्टेड पर्सन के हवाले से। तो ये जो फॉर्म है ये उस सूरत में यूज़ किया जाता है जो इन्वेस्टिगेट करने टीम आती है उसके पास सर्च वारंट नहीं होता, ठीक है। तो ये जो फॉर्म है ये उस सूरत में काम आता है, जो इन्वेस्टिगेटर टीम है वो इस फॉर्म को फिल करवाती है सस्पेक्टेड पर्सन से और उसकी डिटेल्स वगैरह जो है वो कलेक्ट करते हैं, उसके सिग्नेचर, उसका जो एड्रेस है, उसका फ़ोन नंबर, इवन के ये भी इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करते हैं कि वो पर्सन जो है वो किस जगह पर काम कर रहा है। और इसमें इस फॉर्म में ये बताया गया है कि जो सस्पेक्टेड पर्सन है वो अपनी रजामंदी से जो है वो अपनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को जो है वो सर्च करवा रहा है, सीज करवा रहा है जो इन्वेस्टिगेट करने टीम आती है, जो सस्पेक्टेड पर्सन है वो अपनी मर्जी से जो है वो जितनी भी उसके पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं या इलेक्ट्रॉनिक डेटा स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं वो अपनी मर्जी से वो उनको अलाउ कर रहा है इन्वेस्टिगेट करने के लिए। नेक्स्ट नीचे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई है डिस्क्रिप्शन में, आपको इस फॉर्म के हवाले से लिंक मिल जाएगा। अगर आपने इसको मज़ीद इसको स्टडी करना है तो आप उस लिंक के थ्रू कर सकते हैं।